अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज मैं आपको बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश सिखाने लगी हूँ, जो कि अगर आप अपने गेस्ट को इम्प्रेस करने करना हो तो आप बना सकते हैं। और ये हम बनाएंगे फ्राइड ओरियो, बहुत ही स्पेशल डिश है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट्स, चाहिए होंगे, मैंने ये वाला फ्लेवर लिया, कोई और भी फ्लेवर ले सकते हैं। 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम चीनी यूज़ करेंगे, वनीला एसेंस यूज़ करेंगे, एक एग यूज़ करेंगे, दूध इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर और एंड पे आइसिंग शुगर। सबसे पहले मैं ये करने लगी हूँ कि मैं इसके अंदर दो बल्कि 3 टेबल टी स्पून में शुगर डाल रही हूँ। ये ग्रेनुलेटेड शुगर है, ठीक है। 3 टीस्पून मैंने 2 कप मैदे में डाली है। अब मैं 1/4 के करीब इसके अंदर सॉल्ट डाल दूँ, बल्कि 1/4 से भी थोड़ा सा कम, इतना सॉल्ट डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये हम बैटर बनाएंगे फ्राइंग करने के लिए। उसके बाद हम इसमें एक एग डालेंगे और हम उसके में दूध डालेंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हमने बैटर बनाना है। इसमें अब मैं 2 टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी और इसको मैं इतना मिक्स करूंगी कि इसमें कोई भी लंप ना रहे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें कोई, ये इस तरह का बैटर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट्स के लिए ऐसे रखूंगी ताकि ये सेट हो जाए, देन फिर हम अपनी फ्राइंग शुरू करेंगे। जो बैटर बनाया है इसके अंदर ओरियो डालेंगे अच्छे से ताकि इसमें डिप हो जाए, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने इतना इसके अंदर ऑयल डाला है। आप मेरे पास ये कढ़ाई थी, मैंने ये यूज़ किया। अगर आपके पास कोई और कढ़ाई हो आप वो यूज़ कर लें, या कोई भी डीप वाटर वाला पैन हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सारे 1 मिनट, ये बैटर नहीं होता जैसे केक का, वैसे बैटर बना के ना। फिर दो मैंने निकाल लिए हैं और मजीद मैं बना रही हूँ अभी, फिर मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। हम इसको आपने 1-1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करते जाना है और गोल्डन ब्राउन होते आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितने फ्लफी से हुए हैं, ऐसे फ्लफी से आपने बनाने हैं। सी और इसी तरीके से मैं और भी कर लूंगी। ये देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं हमें फ्राइड ओरियो। साथ में मैंने इसकी डेकोरेशन के तौर पर दूसरे ओरियो बिस्किट्स भी रख दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं, कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे फ्लफी से होंगे, ठीक है। ये कट किया मैंने, ये ऐसे निकलेंगे। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शॉर्ट टाइम है। अगर अचानक से आपके गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट से, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस बैटर बनाएं, इसको फ्राई करें और टी बना के अपने गेस्ट को सर्व करें, वो बहुत खुश होंगे और बहुत ही मज़ेदार है, नो डाउट। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, और आप ज़रूर कमेंट्स भी मुझे दे सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी। ओके।